उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण से उन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाए हैं। इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 शामिल है। हालांकि समय समय पर उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए इन कानूनों में संशोधन होते रहे हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत केंद्र सरकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण और व्यापारिक पहलुओं को विनियमित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी कर सकती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उपबंधों को लागू करना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। ये 1955 का एक्ट है। ये लागू हुआ जब हमारे देश में ये फूडस्टफ्स जो खाने का चीज़ जो थे वो बहुत ही शॉर्टेज में शॉर्ट सप्लाई होता था। हम तो बाहर के देशों से इंपोर्ट करते थे। बहुत हमारा सिचुएशन, हमारे देश के सिचुएशन ऐसे था, अच्छा नहीं था। तो उस समय में ये कानून लाया गया क्योंकि ये जो दुकानदार है या जो भी है या वो इंटरमीडियरीज है, वो खाने पदार्थों को रखे, उसको मतलब आर्टिफिशियली एक सिचुएशन क्रिएट ना कर दे शॉर्टेजेस का। इसके वजह से वो उपभोक्ताओं को एक्सप्लॉइट करके दाम ज़्यादा कर दे, इसलिए वो कानून लाया गया। 1955 में बने इस कानून को शुरुआत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया। 1962 में इस अधिनियम का विस्तार दादरा और नागर हवेली पर हुआ और 1968 में इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर पर भी किया गया। यानी ये कानून 1968 के अधिनियम संख्या 25 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा पूरे भारत में लागू किया गया। किसानों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बड़े भाग को संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक समझी गई केवल 7 वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत रखा गया। इनमें औषधियां, उर्वरक, अकार्बनिक, कार्बनिक और मिश्रित पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिनमें खाद्य तिलहन और तेल शामिल हैं। इसके साथ ही पूर्णतः सूत से निर्मित हैंक यार्न, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट के वस्त्र शामिल हैं। इनके अलावा खाद्य फसलों के बीज, फलों और सब्जियों के बीज, पशु चारे के बीज, जूट के बीज और बिनौला शामिल है। खाद्य फसलों के तहत गन्ने की फसलें भी आती हैं। इस एक्ट में ये प्रावधान है कि जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें और भी आइटम्स या कमोडिटी को इंक्लूड कर सकती है। वो उस इस पे निर्भर करता है कि बाजार में क्या स्थिति है, क्या कोई आवश्यक वस्तु जिसकी की ज़रूरत कंज्यूमर्स को होती है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा कीमतों पे बिकना लग गया या उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई या लोग होर्डिंग करने लग गए और सरकार समझती है कि अति आवश्यक है, इसकी उपलब्धता कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरी है, तो वो उससे आवश्यक अधिनियम, आवश्यक कमोडिटी अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर में इंक्लूड कर सकती है, शेड्यूल में इंक्लूड कर सकती है, जिससे कि इस पे जरूरी कानूनी कार्रवाई के तहत इसकी अवेलेबिलिटी रीजनेबल प्राइस पे इंश्योर किया जा सके। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि किसी आवश्यक वस्तु की प्रदाय को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उसका सामयिक वितरण या उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अथवा भारत की रक्षा करने के लिए या सैनिक संक्रियाओं के दक्ष संचालन के लिए किसी आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वो आदेश द्वारा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण के साथ ही उसमें व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या प्रतिषेध के लिए उपबंध कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार आदेश देने या अधिसूचना निकालने का निर्देश दे सकती है।
इसके तहत केंद्र सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी और ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसा अधिकारी जो निदेश में विनिर्दिष्ट हो। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के बाद आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी रोकने और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखने की मकसद से सरकार ने 1980 में चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 लागू किया। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तुओं, खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाली वस्तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी जैसी अनैतिक व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 दोनों के तहत आवश्यक उपाय किए हैं। इस एक्ट में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। इसका लास्ट संशोधन 2016 में हुआ था, जिसके तहत इसमें बहुत सारी, क्योंकि जो इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो लगातार प्रगति करती रही है। अभी हम लोग जो हैं इकॉनमी को लिबरलाइज करते जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी बढ़ती रही है, तो जो हम पहले बहुत सारे कमोडिटीज़ को इसमें इंक्लूड किया था उसको घटा के अब सिर्फ 7 कमोडिटी रह गई है। और अब जो है सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर कभी अल्पावधि के लिए कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है, बट ये निर्णय सरकार लेती है समय के अनुसार कि उसका क्या इंक्लूड करना है या नहीं करना है। हालांकि सरकार द्वारा समय समय पर उपभोक्ताओं के हितों और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन अधिनियमों की समीक्षा की जाती है। इसके तहत कई आवश्यक वस्तुओं की छटनी की जाती है और जरूरत पड़ने पर कई वस्तुओं को उसमें जोड़ा भी जाता है। साल 2006 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति की सिफारिश पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया था। इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार ने स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य को सरल बनाने के लिए कई वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया। साल 2016 में सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाइसेंस की जरूरत, भंडारण की सीमा और कुछ खाद्य उत्पादों की आवाजाही पर रोक खत्म कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।